हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल अर्थ एनिमेशन के बारे में कि किस तरीके से हम गूगल अर्थ स्टूडियो है जो, तो उसमें कैसे हम एनिमेट कर सकते हैं, फिर उसको वहां पे एक्सपोर्ट करके हम आफ्टर इफेक्ट में कैसे उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं कि उसमें एनिमेशन हम कैसे करेंगे और देन उसके बाद में आफ्टर इफेक्ट में किस तरीके से हम टेक्स्ट वगैरह या फिर जो भी एनिमेशन वगैरह हमें करना है तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, तो यहाँ पे गूगल अर्थ स्टूडियो को जब आप फर्स्ट टाइम यदि आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से आपसे डिटेल पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपका नाम वगैरह फिल करना है, देन इसके बाद में आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का नाम फिल कर देना है। यदि आप नहीं हैं तो कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे डालना है डिटेल कि आप इसे क्यों यूज़ करना चाहते हैं। तो आप सिंपली लिख सकते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पज़, और देन इसके बाद में सबमिट कर दीजिए। 1 से 2 दिन के अंदर अप्रूवल आ जाता है, देन इसके बाद में आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस होने के बाद में सिंपली हमको क्या करना है, तो यहाँ पे मेरा एक्सेस है, तो ये मैंने आपको केवल दिखाने के लिए किया है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक्सेस है यहाँ पे, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पे कुछ देखने मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ये लोड हो रहा है, यहाँ पे लोडिंग अर्थ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से क्या है, ये लोड हो रहा है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट, एक ओपन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे यदि आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह यदि पहले किया हुआ है तो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं उसको। यदि आप नया फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे ब्लैंक प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन इसके बाद में भी यहाँ पे एक क्विक स्टार्ट का ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है। तो यदि आपको एनिमेशन वगैरह ज़्यादा, यदि कीज़ वगैरह का यदि आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे क्विक स्टार्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, जैसे कि जूम टू, डायरेक्ट आप जूम इन कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पर डायरेक्टली यहाँ पे। और यहाँ पे एक ऑर्बिट का ऑप्शन मिल जाता है कि वहाँ पे आपको एक पोजीशन पे आपको फिक्स करना है और उसके चारों साइड में जो है कैमरा आप मूवमेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है कि यदि आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर यदि जूम करना है और जाना है तो यहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ पर स्प्रिल का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ट वगैरह कैमरा रोटेट होकर के एक पॉइंट पर यहाँ पर जूम इन होता है, मूवमेंट वगैरह होता है। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने मिल जाता है, फ्लाई टू एंड ऑर्बिट, यानी कि आप आसमान से सीधे एक किसी पोजीशन के ऊपर आप यहाँ पे फ्लाई कर सकते हो, देन उसके चारों साइड वो है कैमरा जो है मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो यदि आपको मैनुअली करना है तब आप यहाँ पे डायरेक्टली ब्लैंक वाला जो ऑप्शन आपको देखने मिल रहा था ब्लैंक प्रोजेक्ट का, तो डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। बट यदि आपको इस टाइप का कुछ एनिमेशन क्रिएट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हैं और सिंपली आपको सर्च करना है लोकेशन कि किस लोकेशन पे जाना है आपको, और आप उस लोकेशन पे आप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट का यदि हम लेते हैं कि हमको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, क्योंकि मैक्सिमम यदि हम मैप वगैरह दिखाते हैं तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में हम जाते हैं तो उस चीज़ को हम मैप में दिखाते हैं। तो हम सिंपली इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यदि पॉइंट टू पॉइंट में आपने जा रहे हैं तो स्टार्ट बटन में क्लिक करना है आपको। तो सिंपली आपने यहाँ पर स्टार्ट बटन में क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ पर दिखाना है जैसे कि किस लोकेशन से आपको दूसरे लोकेशन में जाना है। तो सपोज़ हम यहाँ पर इंडिया से दिखाते हैं कि इंडिया से हमको जाना है सऊदी अरब जाते हैं, जैसे इंडिया से सऊदी अरब। देन इसके बाद में हमको ये देखे इस टाइप का एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है कि इंडिया से जूम इन होकर सऊदी अरब में जा रहे हैं। यदि और यहाँ पे यदि आपको लोकेशन ऐड करना है तो यहाँ पे और लोकेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे जाना है यूनाइटेड स्टेट तो आपने एक और नई लोकेशन ऐड कर दी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है कि इंडिया से पहले आप सऊदी अरेबिया में गए, यहाँ पे जूम इन हुए थोड़ा सा, देन इसके बाद में फिर आपका यहाँ पे होल्ड है थोड़ा 5 सेकंड का, देन इसके बाद में फिर यहाँ पे आप यूनाइटेड स्टेट में यहाँ पे चले गए। तो यदि इस टाइप से आपको यदि दिखाना है किसी लोकेशन पे दिखाना है, यदि ऊपर से ही दिखाना है, कोई ज़्यादा जूम इन वगैरह नहीं करना, तो इस टाइप का पॉइंट टू पॉइंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको पर्टिकुलर किसी लोकेशन पर जूम इन करना है, फिर वहाँ पर आपको मैनुअली कुछ चेंज करना है, सारी चीज़ें एनिमेशन करना है, तो उस टाइप में फिर आप ब्लैंक प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधे, हम एक ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो जब आप ब्लैंक प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है, तो यहाँ पे हम टेस्ट नाम डाल देते हैं, और आपको यहाँ रेजोल्यूशन सेट करना है कि कितना रेजोल्यूशन आपको चाहिए है, और देन यहाँ पे ड्यूरेशन कि कितने फ्रेम का आपको यहाँ पे चाहिए है। यहाँ पे आप चेंज करके टाइम कोड भी डाल सकते हैं कि 15 सेकंड का जितना आपको चाहिए है ना, 30 FPS फ्रेम रेट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जितना भी आपको चाहिए। तो नॉर्मली 30 FPS ही चलता है, वैसे तो 24 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस FPS पे आपने जो प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो हम सिंपली इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है अर्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखें
तो अब इसमें आपको जब एनिमेट करना है तो यहाँ पे आपको किसी लोकेशन पे इसे जूम इन करना है, किसी लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे जाना है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे उसका जो एनिमेशन आपको दिखाना रहेगा, टेक्स्ट वगैरह वहाँ रहेंगे, हो सकता है कुछ सेव एलिमेंट वगैरह यूज कराएं, लाइन ड्रॉ कराएं, तो इस टाइप से जो एनिमेशन वगैरह आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप आफ्टर इफेक्ट में इम्पोर्ट करके वहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन वगैरह, सेफ एनिमेशन वगैरह, जो भी आपको लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको एक समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन कुछ आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हमको इंडिया दिखाना है तो हमने सिंपली सर्च किया यहाँ पे इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया आ गया और यहाँ पे हमको की फ्रेम लगा देनी। तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे हम जूम इन हो रहे हैं सीधे, तो ये इंडिया हमारा यहाँ पे दिखाई देने लग गया है। अब आपको किसी लोकेशन पे पर्टिकुलर किसी जूम करना है कि किसी लोकेशन पे जाना है, सपोज हम यहाँ पे जा रहे हैं इंदौर, हमको जाना है तो हम यहाँ पे सर्च किए इंदौर, तो यहाँ पे हम आ रहे हैं, तो ये इंदौर देखिए हमारा आ चुका है यहाँ पर। लेकिन अब आप सिंपली यहाँ से डायरेक्टली आपको यदि इंडिया, पहले ये इंडिया दिखाई देते हैं उसके बाद में जूम इन होकर इंदौर में जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे एक की फ्रेम आपको फिर से लगानी होगी, जो ये की फ्रेम है, तो यहाँ पे आपको होल्ड करने के लिए एटलीस्ट जब कैमरा जूम इन हो रहा है तो वहाँ पे कुछ सेकेंड के लिए होल्ड हो, देन उसके बाद में फिर जूम इन होना स्टार्ट हो। इसलिए आपको यहाँ पे दो की फ्रेम सेम लगानी पड़ती है, यानी कि जो की फ्रेम आपने यहाँ लगाई है अगली की फ्रेम भी तो वही रहेगी, मतलब सेम की फ्रेम आपको एक ही फ्रेम पे आपको दो की फ्रेम लगानी पड़ेगी, एक वहाँ पहुँचने की और दूसरा वहाँ से स्टार्ट होने की, बीच में आपको वहाँ पे होल्ड करना है और जितनी देर आपको होल्ड करना है आप उतनी देर वहाँ पे की फ्रेम आप लगा सकते हैं। सपोज जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक होल्ड किया है, यहाँ हम पहुँचे, यदि हम 2 सेकेंड में यहाँ पे आ रहे हैं तो 2 सेकेंड के बाद में हमको यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए होल्ड लेना है, तो यहाँ पे हमने 3 सेकेंड पे आ गए और 3 सेकेंड में पहुँचने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे की फ्रेम को यहाँ पे पॉज कर देंगे, तो यहाँ पे 2 सेकेंड हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में 2 सेकेंड का टाइम हमने लिया और फिर उसके बाद में 1 सेकेंड का हमने होल्ड लिया, फिर अगली पोजीशन पर जहाँ जाना है फिर हम 2 सेकेंड का टाइम लेंगे। वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन, मतलब आपकी सिचुएशन किस टाइप से, आपका वॉइस ओवर किस टाइप से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम इस टाइप से कुछ एनिमेट यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगले 2 सेकेंड पे हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे जूम इन करेंगे कहाँ पे, इंदौर पे करते हैं जैसे हम, तो यहाँ पे इंदौर पे करते हैं, यहाँ पे की फ्रेम लगा दी हमने और फिर इसके बाद में यहाँ पे होल्ड रखा, देन उसके बाद में फिर हम यहाँ से जाएंगे, सपोज यहाँ से हम जा रहे हैं इंदौर से दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे की फ्रेम लगाया, देन उसके बाद में दिल्ली में फिर हम होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम जूम आउट कर देंगे और जूम आउट के लिए फिर सिंपली हम ये वाली की फ्रेम को कॉपी कर लेते हैं जो इंडिया वाली थी। तो कुछ इस टाइप से एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो अब इन की फ्रेम को हम सब उठा करके और इनको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, थोड़ा आगे साइड में थोड़ा थोड़ा हम शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट टाइम है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे इनको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा और टाइम यहाँ पे दे देते हैं इनको। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का एनिमेशन हमारा कुछ क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डायरेक्टली ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो काफ़ी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे सिंपली कि हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे और फिर इसके बाद में हम एक की फ्रेम लगा देंगे, तो एटलीस्ट हमको समझ में आएगा कि हम जा किधर रहे हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ से जैसे जा रहे हैं हम, तो यहाँ से इंडिया में जूम इन हुए और फिर इसके बाद में यहाँ से हम जा रहे हैं इंदौर, इंदौर से सीधे फिर हम ऊपर आएंगे और फिर देन दिल्ली जाएंगे। अब यहाँ पे हमको समझ में भी आ रहा है कि एटलीस्ट हम जा कर रहे हैं। तो अब इस टाइप से एनिमेशन आपको करना है कि एटलीस्ट जो भी आप एनिमेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट समझ में आनी चाहिए कि हम किस पोजीशन पे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, वो एटलीस्ट समझ में आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वो जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा ताकि जो लुक वाइज जो विजुअल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और ऐसा बोरिंग टाइप से नहीं लगे आपको सीन। तो इस चीज़ का आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। हाँ, इसको ये जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हिल रहा है पार्ट, है ना, ये स्टेबल नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको हम लीनियर कर देते हैं। अब देखते हैं इसको हम, ये देखो स्टेबल हो चुका अभी ये,
अब इसमें ज़्यादा डिटेल से आपको अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसमें यदि ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें हमको ग्राफ वगैरह ओपन करके और ग्राफ से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वहाँ पे कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी फास्ट स्पीड होनी चाहिए, स्पीड को स्लो कैसे करें, सारी चीज़ें बहुत डिटेल से यहाँ पे एनिमेशन मैं आपको सिखा सकता हूँ। बट वही है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर कभी मैं आपको और भी डिटेल से इसमें समझा दूंगा। बट एटलीस्ट आप को मैं इतना ज़रूर बता दे रहा हूँ कि आप एक एनिमेशन भी करना चाहते हैं गूगल अर्थ स्टूडियो से, कोई एनिमेशन करना चाहते हैं मैप एनिमेशन, तो वो एटलीस्ट आप अभी कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद में। तो चलिए अभी हमारा यहाँ पे जो एनिमेशन है कुछ इस टाइप से क्रिएट हो चुका है। हम सबसे पहले यहाँ पे इंडिया में मूव करते हैं, देन इसके बाद में इंदौर जाते हैं, जूम इन करते हैं, इंदौर के बाद में हम जूम आउट होते हैं, देन इसके बाद में दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में जूम इन होता है, फिर इसके बाद में जूम आउट होते होकर के बाहर इंडिया में वापस आ जाते हैं। तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर रेंडर में क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपका नाम है तो उसको आप सेट करेंगे और यहाँ पे आपको फोल्डर सेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फोल्डर सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट फोल्डर आपको कर लेना है और इसको व्यू फाइल कर लेना है। देन इसके बाद में क्या करना है, आपको फ्रेम चूज करने, कितने फ्रेम से कितने फ्रेम तक आपको रेंडर निकालना है। तो यहाँ पे हमने 0 से 450 फ्रेम हमने सेट किया था, तो 0 से 450 फ्रेम हमने यहाँ पे निकाल लिया है। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे आता है ये एट्रीब्यूशन पोजिशन, ये जो गूगल अर्थ का ये आपको लोगों आएगा तो इस पर आपकी पोजीशन कहाँ पर रखना है, आप ऊपर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, जहाँ चाहें आप वहाँ रख सकते हैं। तो अभी इसको हम लेफ्ट में, राइट साइड में, नीचे कॉर्नर पे कर देते हैं इसको, है ना। अब इसके बाद में आता है यहाँ पे 3D ट्रैकिंग डाटा। तो अभी हमने यहाँ पे कोई ट्रैकिंग पॉइंट नहीं बनाए हैं, तो हमको क्या करना है, पहले ट्रैकिंग पॉइंट बना लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रैकिंग पॉइंट बना लेते हैं कि हम पहले इंडिया में आएंगे, तो इंडिया में फिर यहाँ पे हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर इसके बाद में जब जूम इन होता है इंदौर में, इंदौर में यहाँ पे हम एक ट्रैक पॉइंट बना लेते हैं। तो सेट ट्रैक पॉइंट पे आपको राइट माउस क्लिक करके यहाँ पे सेट ट्रैक पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक ट्रैकिंग पॉइंट बन जाता है। तो इसके बाद में आपको, आप इसको नाम भी वगैरह दे सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं, जैसे हम इसको यहाँ पे इंदौर लिख देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में क्या होगा कि आपको यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, आपको दिल्ली, तो दिल्ली में हम आपको यहाँ पे अगला पॉइंट डाल देते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, राइट माउस क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे सेट ट्रैक पॉइंट पे क्लिक करना है, इसको भी रीनेम कर देते हैं हम, तो यहाँ पे कर देते हैं न्यू दिल्ली। फिर इसके बाद में ये जूम आउट हो जाएगा और फिर वापस से इंडिया का मैप यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। देन इसके बाद में हम यहाँ पे रेंडर पे आएंगे और सारी चीज़ें सेट कर लेंगे। अब इसमें एक ऑप्शन रहता है कि आपको ये जो नाम वगैरह आ रहा है ये चाहिए या फिर आपको एकदम क्लीन मैप चाहिए। तो यदि आपको एकदम क्लीन मैप चाहिए है तो आप यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लीन देखने मिल जाएगी। अब आपके हिसाब से आप यहाँ पे नाम वगैरह जो है और कुछ भी आपको यहाँ पे एनिमेशन वगैरह ऐड करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको जो क्वालिटी है, नॉर्मल चाहिए या फिर हाई चाहिए, वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम हाई में सिलेक्ट कर रखे हैं क्योंकि हमको हाई क्वालिटी में चाहिए इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपने पोजीशन वगैरह जो सेट कर रखी है तो वहाँ पे आपका जो है रेंडर फाइल जाएगी। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और सेव चेंजेस पे कर देना है। तो हमारी जो रेंडरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, रेंडरिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो डिपेंड कर रहा है कि आपने कितने फ्रेम, कितने ड्यूरेशन का वीडियो जो है यहाँ पे आपने क्रिएट किया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो रेंडर है निकल चुका है। देन इसके बाद में हमको क्या करना है, सिंपली इसका अब हमारा काम नहीं है तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। देन फ्रेंड्स आपको आफ्टर इफेक्ट पे आ जाना है। अब आफ्टर इफेक्ट पे आपको इंपोर्ट करना है फाइल को। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइल पे ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे, और देन यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट्स पे आना है और रन स्क्रिप्ट्स पे आ जाना है आपको। जैसे आप रन स्क्रिप्ट्स पे आएंगे तो आपको फिर फोल्डर सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने उसको जो एक्सपोर्ट किया था। तो हमने यहाँ पे जो फोल्डर टेस्ट नाम से हमने एक्सपोर्ट किया था, तो इसको हम डबल क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको JSX फाइल मिल जाएगी। ये एक यहाँ पे जो फाइल है, तो इसको हम क्लिक करेंगे देन इसको ओपन कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है फाइल वो इंपोर्ट हो जाएगी और आपका जो है फोल्डर वगैरह यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कंपोजिशन ऑटोमेटिकली टेस्ट नाम से यहाँ पे एक कंपोजिशन क्रिएट हो चुका है और फाइल पूरी यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपको यहाँ पे पूरा जो एनिमेशन आपने वहाँ पे किया था वो यहाँ पे एक्सपोर्ट होके यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमने जो वहाँ पे एक ट्रैक पॉइंट ऐड किया था तो इंदौर उसका नाम दिया था, तो देखिए यहाँ पे जो ट्रैक पॉइंट है वो आ चुका है, उसका नाम भी यहाँ पे इंदौर लिखा हुआ है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे जूम आउट हुए थे और फिर यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे जूम इन हुए थे, तो न्यू दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट, तो यहाँ पे वो हमने रीनेम कर दिया था, नहीं तो यहाँ पे ट्रैक पॉइंट 1 ट्रैक पॉइंट 2 आता है यहाँ पे, तो हमने वहाँ पे रीनेम कर दिया था, इस कारण से यहाँ पे नाम आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिंपली आप चाहें तो जैसा आप चाहें तो वैसा एनिमेशन यहाँ पे कर सकते हैं। कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक शेप क्रिएट करना है,
तो शेप हम क्रिएट कर लेते हैं एक, जैसे कि ये शेप है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इसका स्ट्रोक बढ़ा देते हैं, तो ये शेप है। इसको सबसे पहले हमको 3D में करना पड़ेगा। 3D में जैसे ही करेंगे हम, देन इसके बाद में हमको ट्रैक पॉइंट से इसको लिंक करना पड़ेगा। तो हमने ट्रैक पॉइंट इसको कर दिया लिंक, किससे, हम इंदौर से कर देते हैं जैसे। तो इंदौर से हमने इसको ट्रैक पॉइंट लिंक किया है, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हम पोजीशन यानी P पे जाएंगे और इसकी जो पोजीशन है इसको सबको ज़ीरो कर देंगे हम। तो सिंपली क्या करना है हमको, इसकी जो पोजीशन है ये ज़ीरो कर देना है। देन इसको R प्रेस करेंगे हम रोटेशन, तो रोटेशन को भी हम क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। अब हमारा जो है ये सेंटर हो चुका है। तो यदि हम यहाँ पे जूम करेंगे तो यहाँ पे हमको देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हमने क्रिएट किया हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा जो शेप है ये दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक सर्कल बना रहे हैं कि यहाँ पे होता ना एक लोकेशन दिखाने के लिए एक डॉट सर्कल आ जाता है, तो वो हम एक डॉट पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने जो शेप बनाया है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। देन इसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे और एक एलिप्स टूल ले लेंगे और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको फिल को ऑन कर देते हैं और स्ट्रोक हम बढ़ा देते हैं, इसको फिल का कलर रेड कर देते हैं और स्ट्रोक का कलर कर देते हैं वाइट। तो यहाँ पे ये सर्कल जो हमने बना लिया है, अब देखेंगे आप तो इस सर्कल का जो पोजीशन है वो वहीं पे रहेगा। हम कितना भी मूवमेंट करेंगे सर्कल का पोजीशन वहीं पे रहेगा। तो ये ट्रैक पॉइंट का यहाँ पे एक पावर होता है कि आपको यहाँ पे चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाती हैं। और यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट, उसी का टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे ट्रैक पॉइंट का मिला है। आप चाहें तो अलग से सेम कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके लिए वही आपको करना पड़ेगा कि सबसे पहले उसकी जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पे ज़ीरो करनी पड़ेगी, रोटेशन ज़ीरो करना पड़ेगा तीनों, यहाँ पे आपको तीनों वैल्यू का, जैसे कि आप पोजीशन पे जाएंगे तो तीन वैल्यू आपको देखने मिलती है क्योंकि लेयर 3D में है, इसलिए आपको तीन वैल्यू देखने मिल रही है। नहीं तो नॉर्मली यदि 2D लेयर होती तो दो वैल्यू आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। तो सिंपली इसका आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर देते हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड। तो ये देखिए यहाँ पे इंदौर हमने कर दिया इसका, और आगे जाते हैं तो ये आ गए हम दिल्ली के पास में। तो सिंपली हमको क्या करना है, इसको कंट्रोल डी कर देंगे डुप्लीकेट, हमको दिल्ली के पास में भी सेम सर्कल लगाना है। अभी ये इंदौर से लिंक है तो इसको हम दिल्ली से कर देंगे। तो ये हमने इसको दिल्ली से लिंक कर दिया है। अब इसको दिल्ली से लिंक करने के बाद में बस हमको क्या करना है, इसकी पोजीशन इसको ज़ीरो कर देंगे और रोटेशन इसका ज़ीरो कर देंगे। ये ऑटोमेटिक उसी ट्रैक पॉइंट के पास में पहुंच जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो जैसे यहाँ पे ऐसे हम जूम हो रहे हैं, ये देखें, तो यहाँ पे जो है हमारा जो है पॉइंट आ चुका है। तो ये देखें हमारा डॉट जो है पॉइंट आ चुका है, और नाम को हम ये एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो एनिमेशन है इस टाइप से क्रिएट हो चुका है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इंदौर में यहाँ पे आ रहे हैं तो इंदौर लिखा हुआ आ रहा है, न्यू दिल्ली में आ रहे हैं तो यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा हुआ आ रहा है, और ये जूम आउट हो चुके हैं। तो इस टाइप से यदि आप इसको यदि स्केल करना चाहते हैं कि इस टाइप यहाँ पे भी दिखाई दे, अब जैसे जूम आउट होता है तो जूम आउट जैसे यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे आपको नाम वगैरह दिखाई दे, तो इसके लिए सिंपली क्या करना है आपको कि यहाँ पे जैसे जूम आउट होना स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से आपको की फ्रेम लगानी है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे इसका स्केल, इसमें भी स्केल लगा देंगे और टेक्स्ट में भी हम यहाँ पे स्केल लगा देते हैं, और सिंपली जैसे जूम आउट हो रहा है तो यहाँ पे इसको हम बढ़ा देंगे। ये 10,000 हमने इनका स्केल कर दिया, तो देखिए हमको इतना दिखाई दे रहा है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे फ़ॉन्ट पे भी करेंगे, तो फ़ॉन्ट यहाँ 100 है तो यहाँ पे कर देंगे हम 1 लाख भी नहीं, 2 लाख कर देते, 5 लाख कर देते हैं हम यहाँ पे, नहीं 5 लाख ज़्यादा हो गया, तो 2 लाख कर देते हैं हम यहाँ पे, और इसको भी सेम कर देंगे यहाँ पे 2 लाख, और थोड़ा सा इसकी पोजीशन जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, तो पोजीशन पे भी हम की फ्रेम लगा देते हैं। तो ये देखिए, तो इस टाइप से हमारा जो एनिमेशन यहाँ पे बन के क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे इंडिया में पहले जूम हुआ, देन इसके बाद में यहाँ पे इंदौर में जूम इन होता है, तो इंदौर में यहाँ पे नॉर्मल साइज़ दिखाई दे रही है, और फिर इसके बाद में जूम इन होता है दिल्ली में, तो दिल्ली में नॉर्मल साइज़ दिखाई दे रहा है, फिर इसके बाद में ये जूम आउट हो जाता है, तो ये यहाँ पे हमको ऐसा बड़ा दिखाई देने लग जाता है। तो इस टाइप से आप और भी काफ़ी सारे जो एनिमेशन वो क्रिएट कर सकते हैं, मैप एनिमेशन, काफ़ी सारे आजकल मैप एनिमेशन आप देख रहे होंगे, तो जैसे कि जॉनी हैरिस हो गया, वॉक्स की वीडियोज़ में आपको देखने मिल रहा है, और इस टाइप के काफ़ी सारे इंडियन यूट्यूबर है स्टडी IQ, वो भी काफ़ी अच्छे मैप एनिमेशन आपको देखने मिलते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे मैप एनिमेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यदि आपको इस टाइप से फ्री में यदि आपको मैप एनिमेशन करना है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। गूगल अर्थ से आप यहाँ पे आपको अप्रूवल वही करना पड़ेगा, 1-2 दिन लगेंगे अप्रूवल में, तो यहाँ पे आपको फ्री है, इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं आपको पे करना रहता है, तो फ्री में एक काफ़ी अच्छा टूल आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो ये एनिमेशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है गूगल एनिमेशन आप कैसे कर सकते हैं, गूगल अर्थ में जो एनिमेशन वहाँ पे एनिमेट करके आप आफ्टर इफेक्ट में कैसे उसको एडिट कर सकते हैं, तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो यदि आप लोग बोलेंगे तो इन फ्यूचर हम डिटेल में भी इसके ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे, तो यदि आप लोग बोलते हैं तो उसमें हम डिटेल में वीडियो पक्का लेकर के आएंगे 100% से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।